जॉनथन पॉलार्ड एक ऐसा जासूस जो अमेरिका की खुफिया जानकारी इसराइल तक पहुंचाता है। 30 साल जेल में सजा काटने के बाद बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका से इसराइल पहुंचा। देते हैं आपको पूरी जानकारी, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अमेरिका के फॉर्मर यूएस नेवी एनालिस्ट जॉनथन पॉलार्ड, जिन्होंने इसराइल की जासूसी के लिए 30 साल जेल में बिताए, यात्रा प्रतिबंध समाप्त होने के एक महीने बाद तेल अवीव के लिए रवाना हुए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले महीने पॉलार्ड की परेल को समाप्त कर दिया था। पॉलार्ड और उनकी पत्नी एस्टर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन शेल्डन एडेलसन के निजी जेट से इसराइल पहुंचे। नेतन्याहू ने तेल अवीव हवाई अड्डे पर पॉलार्ड का स्वागत किया और उन्हें एक इसराइली आईडी कार्ड दिया। पॉलार्ड और उनकी पत्नी एस्टर ने इसराइल की जमीन पर पैर रखते ही पहले धरती को चूमा, फिर ईश्वर को याद कर पॉलार्ड के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रार्थना की। नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा प्रकाशित बयान के अनुसार पॉलार्ड ने कहा, हम 35 साल के बाद घर पर रहने वाले हैं और हम लोग इसराइल के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि वे हमें घर ले आए। नेतन्याहू ने कहा कि पॉलार्ड अब स्वतंत्र और खुशी के साथ एक नया जीवन शुरू करने में सक्षम होगा। पूर्व अमेरिकी नौसेना के खुफिया अधिकारी 66 साल के जॉनथन पॉलार्ड को 1985 में कई दस्तावेजों की हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया और फिर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अपनी गिरफ्तारी के समय पॉलार्ड ने कहा कि उन्होंने इसराइल को क्लासिफाइड दस्तावेज दिए क्योंकि वॉशिंगटन महत्वपूर्ण जानकारी पास करने में विफल रहा। ऐसा उन्होंने हजारों डॉलर के बदले में किया। हालांकि कुछ खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने अन्य देशों को भी जानकारी दी। पॉलार्ड ने उच्च रैंकिंग वाले इजरायली खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की और 1.5 साल के दौरान उन्हें इसराइल के अरब सलाहकारों और सोवियत संघ से प्राप्त सैन्य समर्थन पर क्लासिफाइड दस्तावेजों के कई सूटकेस दिए। CIA के अनुसार पॉलार्ड और उसकी पत्नी को वॉशिंगटन में इसराइली दूतावास के बाहर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि दूतावास ने शरण के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये मामला लगभग 3 दशकों तक दोनों सहयोगियों के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक साबित हुआ। खैर, अब ये दोनों दंपति इसराइल के कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए यरूशलेम में अपने अपार्टमेंट में अगले 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।